सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और मेरा ब्लॉग ज़्यादातर मतलब मॉर्निंग से ही स्टार्ट मैं करती हूँ, और क्योंकि मेरे पास सुबह इस तरीके का टाइम होता है कि मैं मतलब थोड़ा बहुत आपसे बात कर सकती हूँ, सिर्फ 2-4 मिनट का ही रहता है। और वो अभी आप जान सकते हैं कि किस तरीके से रहता है, क्योंकि बिल्कुल रेडी हूँ। और जाते समय मेरा चाय पीने का रूटीन भी है, क्योंकि पहले चाय पी लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं बिल्कुल सब काम से फ्री होके बिल्कुल जाते वक्त जो है चाय पीती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा देर आपसे बात करने का मेरा टाइम बन जाता है। और तो बताइएगा कैसे हैं आप लोग, मतलब कैसे चल रहा है सब कुछ। और मैं यहाँ कर रही हूँ चाय गरम, और ज़्यादा देर नहीं हुई है बनी हुई चाय को, तो इसलिए पी लेती हूँ, नहीं तो नहीं करती। लेकिन आजकल तो गर्मी थोड़ा सा कम हो गई है, गर्मी तो है लेकिन थोड़ा सा कम हो गई है। तो आज 1 तारीख से हम लोगों के मतलब बच्चे भी स्कूल आने लगेंगे हमारे यहाँ, तो इसी वजह से थोड़ी तैयारियाँ चल रही हैं स्कूल में, कुछ मीटिंग्स चलती हैं, कुछ साफ़ सफाई का चल रहा है, क्योंकि अभी तक बड़े बच्चे ही आ रहे थे, कुछ छोटे बच्चों की आने की संभावना चल रही है। और देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि किसी तरीके से कोई मतलब नुकसान ना हो, दे जाते भगवान से सब कुछ बढ़िया हो, अच्छे से हो, पहले जैसा सब सुचारू रूप से चलने लगे और सभी की गाड़ी जो है पटरी पर चलने लगे, तो सबको अच्छा लगता है। नहीं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी खबर सुनने को मिलती थी ना, तो बिल्कुल रूह कांप जाती थी हम लोगों की। तो बस आज करती हूँ पूरे दिन का आपसे शेयर, क्या क्या शेयर कर पाती हूँ, कैसे कर पाती हूँ, क्योंकि पहले से कोई भी ना चीज़ डिसाइड नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर हम किसी उस पर कहते हैं कि हम वहाँ कराएंगे, वहाँ ऐसा मौका नहीं मिलता है, तो गड़बड़ हो जाती है। आजकल तो फाटक का भी नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि फाटक मुझे एकदम खुला हुआ मिल रहा है, टच उट 3-4 दिन से ऐसे ही हो रहा है कि बिल्कुल फाटक खुला हुआ मिल रहा है, किसी तरीके की कोई परेशानी हो तो सब मेरा जो रिक्शा जो है फटाफट से दौड़ के स्कूल पहुंच जाता है। तो ये भी बहुत कम होता है मेरे साथ में, नहीं तो अक्सर यही होता है कि आते वक्त भी और जाते वक्त भी मेरे साथ मतलब मुझे फाटक मिलता है, और कभी कभी तो जो मालगाड़ी होती है वो आके रुक जाती है। तो बस अब ज़्यादा देर आपसे बात ना करके करते हैं ब्लॉग का स्टार्ट। और अच्छे से रहिए, खुश रहिए, सब के सब तरक्की करें, बढ़िया बढ़िया से बढ़िया आप लोगों के लिए गुड न्यूज आए, अच्छा रहे, सफ़र बहुत अच्छे से कटे। और जो हमारा ये हमारी जो ये लाइन है, ये भी सबकी बढ़िया मस्त चले। कुछ फ्रेंड्स मेरी बहुत ज़्यादा निराश हो रही हैं, तो प्लीज़ निराश ना होंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। सब एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हुए चलिए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलेंगे तो जल्दी ही अपनी मंजिल को पाएंगे। मैं हमेशा हर ब्लॉग में यही कहती हूँ सबसे कि निराश ना होना, क्योंकि मैं बहुत इन चीज़ों को झेल चुकी हूँ। और फिर हम लोग ना इस चीज़ को बिल्कुल मतलब बिल्कुल सीरियसली लेके ना चलें, क्योंकि हम यहाँ पर अपना कुछ ऐसा टाइम निकाल के चलते हैं, और अगर हमने उसमें मतलब एक टेंशन फ्री होने के लिए हमने ये स्टार्ट, ज़्यादातर सभी लोगों ने ये स्टार्ट इसलिए किया था कि हम घर के कामों से या कुछ हमारी जो अलग से टेंशन होती है उन चीज़ों से दूर रहने के लिए हमने ये चैनल बनाया होता है। और हम यहाँ पर आकर अगर और चिंता भी लेने लगे तो फिर क्या फ़ायदा है ना, तो फिर तो प्रॉब्लम होती ही होती है। एक तो पहले से ही टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन, घर गृहस्थी की टेंशन, हर चीज़ की टेंशन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही है। और उसके बाद हम फिर ये अपने आप से कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार वाली, हमने टेंशन, हमने अगर हम इसको टेंशन मान के चले तो बहुत हम लोगों का मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल इंजॉय करके चलिएगा, बढ़िया से चलिएगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, सब कुछ बढ़िया होगा, अच्छा होगा। और चलती हूँ स्कूल के लिए, ओके बाय बाय। आ गई हूँ घर, थोड़ा बहुत सामान लेकर आई हूँ आपके साथ शेयर किया है अभी, और अब बनाती हूँ खाना। तो अभी आज गर्मी मुझे बहुत लग रही है, क्योंकि आज आते वक्त फाटक लगा हुआ मिला, और फाटक लगा हुआ मिला तो इसलिए जो है वहाँ बहुत देर तक वेट करना पड़ा ट्रेन का,
और जब ट्रेन का वेट करना पड़ता है ना, तो फिर आपको पता है कि चलती हुई रिक्शे में तो हवा तब भी लगती है, लेकिन अगर रुकी हुई रिक्शा होती है या कोई भी वाहन होता है तो उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस अब मैं जाऊँगी नहाने, नहाने जाऊँगी, अपना गाउन वगैरह पहनती हूँ, तब जाके थोड़ा सा आराम मिलेगा। अभी बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है, मतलब इतनी गर्मी लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि फटाफट से नहा लूँ, लेकिन थोड़ा सा पसीना सुखा रही थी इस वजह से मैं कहा चलो थोड़ी सी कर लेती हूँ आपसे बात। और बस देखिए दिन भर में क्या करती हूँ, क्या बनाती हूँ खाने में, अभी तो मौका लगेगा तो शेयर करूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं बाहर जाके, जब घर आती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। अभी मेरी हैबिट में भी नहीं है ना, काफ़ी टाइम से हम लोग घर बैठ गए, तो उसके बाद अब बाहर काम करना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना, उसके बाद सारे काम करना, उसके बाद स्कूल जाना, स्कूल से आकर फिर घर का काम करना, तो बड़ा मुश्किल में लग रहा है सारा काम। देखिए करना तो पड़ेगा, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा सब कुछ, और कैसे करते हैं क्या करते हैं शेयर होता रहेगा आप लोगों से। तो ठीक है अब मैं चलती हूँ नहाने, फिर मिलते हैं आपसे खाने के उसमें कि क्या बनाती हूँ क्या करती हूँ। ये देखिए ये तो लाई हूँ अपने लिए और बेटे के लिए फैन, और ये है ब्रेड, और इसमें क्या है, इसमें है और ये देखिए परमल की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे जब भी मैं जाती हूँ तो ये तो ज़रूरी आते हैं। और ये है तोरी, और ये है अरबी, ये ले आई, थोड़ा ज़्यादा लेके आ गई, मतलब 1 किलो लेके आ गई, तो जब भी मन करता है थोड़ी बहुत अगर बनानी है तो थोड़ी बहुत भी हम इसको बना सकते हैं। तो बस यही सब्ज़ी लेकर आई थी आज, और आलू प्याज तो मैं इकट्ठे ही ले लेती हूँ, जब इकट्ठे ले लेती हूँ तो फिर इसलिए ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बाकी ये चीज़ भी कभी कभार चाहिए होती है नाश्ते वास्ते के लिए, कभी मन नहीं करता कोई चीज़ खाने को तो थोड़ा चेंज हो जाता है। और बस यही सब चीज़ लेकर आई हूँ, तो आपके साथ है अरवी की सब्ज़ी और बनाए हैं फुलके, तो सुबह अरवी उबाल के चली गई थी और फिर आके सब्ज़ी बनाई है और फुलके बनाए हैं, तो आ जाइए गरम गरम फुलके खाइएगा, अरवी की सब्ज़ी खाइएगा, किस किस को पसंद है अरवी की सब्ज़ी, और कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग बताइएगा, और मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। ओके बाय, गुड डे, बाय बाय, ओके मिलते हैं कल।